अब आपका जो सवाल था उसमें ये था, प्रोफेशनली शायद मेरी माता जी ने नहीं सोचा होगा कि मैं इसको अपने प्रोफेशन में बनाऊंगी, लेकिन वो अपने आप ही वो होता चला गया। बल्कि जब मैं यंग हुई, थोड़ा ज़्यादा नाम होने लग गया, तो मेरी माता जी को चिंता हो गई कि ये सब बंद करो, इसका इसकी शादी करो, इसको ससुराल भेजिए, नहीं तो लड़की को इतना मतलब, ये मैं 10th में थी 10th 11th में, तब से ही मेरी माता जी मेरे पिताजी से कहती थी कि इसको शादी करके जिम्मेदारी पूरी करो। तो उस वक्त शायद नहीं सोचा होगा, तभी ऐसा कहती थी। लेकिन उमा जी, फिर वो समय भी आया होगा जब आपने तय किया होगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली सिंगिंग को अडॉप्ट करना है। यानी मैं बहुत सारे कलाकारों से बात करता हूँ और वो ये कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक भी नहीं करना है, या मुझे डांस भी नहीं करना है, मुझे डांस ही करना है, या मुझे म्यूज़िक ही करना है। आपने ये कब तय किया? अब संगीत ही करना है, ये बात मैं जब एमए कर रही थी, उससे पहले तक देखिए, मैं जब 10th में थी तब से शादी की बात शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, इसको मैं पढ़ाऊँगा। और मैं 10th में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर मैं निकली, पूरा इतना नाम हुआ उस ज़माने में, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 12th में आई तो फर्स्ट आई, फिर बीए ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाने का था मेरे पिताजी को, उसके बाद शादी करेंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि मेरा गाना जो है लोगों को इतना अच्छा लगने लगा, और वो घर आके मुझे बुला के ले जाते थे, तो पिताजी साथ में जाते थे जहाँ भी ले जाते थे गाने के लिए, तो इस तरह से ये शुरू हो गया। मैंने जब मैं एमए में थी तब मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ गाना गाऊँगी, और पिताजी से कहा कि आप मेरे बाद, एक मेरी सिस्टर थी उसकी शादी कर दीजिए, मैं सिर्फ गाना गाऊँगी और शादी नहीं करना मुझे। जब मैं एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई और गोल्ड मेडल मिला और ये सब हुआ, तब मैंने सोचा। माँ जी, आपने राग यमन की बात की, राग गौड़ सारंग की बात की, तो बहुत ही विनम्रता से गुजारिश करता हूँ कि कुछ हमें भी सुनाइए। हाँ, मैं सुनाऊंगी। मुझे जब मैं बाद में जब किराना घराने के संपर्क में आई, किराना घराने की गायकी तो बहुत पहले से ही मुझे पसंद था, मैंने आपको पहले ही बोला, उनको सुना करती थी हीराबाई बड़कर जी को, मगर मैं आमिर खान साहब को भी बहुत बाद में सुनने लगी, क्योंकि वो गायकी जो है किराना और इंदौर का बहुत मेल है। मेरे जो गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी किराना घराने के, वो ही गायकी है, तो वो मुझे बहुत आकर्षित करने लगी। उससे पहले मैंने मेरठ में, हमारा पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो मेरठ से मैंने किया था एमए, वहाँ मैंने पंडित प्रेम प्रकाश जौहरी जी से सीखना शुरू किया, उन्होंने, वो आमिर खान साहब के शागिर्द थे, तो वही गायकी। बाद में मैंने फिर पंडित जी से, जब मेरे गुरु जी से मणि प्रसाद जी से सीखना शुरू किया, तो सेम गायकी। तो मैं, आपने सुनाने की बात कही, तो मैं जब उन्होंने शुरू में तोड़ी, मियाँ की तोड़ी सिखाना शुरू किया, तो मैं कहूँगी बरसों तोड़ी मैंने उसको, आज भी मैं तोड़ी इतना पसंद है, और उनकी बंदिश, पंजाबी बंदिश मुझे बहुत पसंद है, और वो ट्रेडिशनल है, बहुत लोगों ने गाया है, मैं उसको थोड़ा सा आपको तोड़ी का ही सुना रही हूँ। जना
नी मैं वसलत पूछनिया तो सार, नी मैं वसलत पूछनिया तो सार, तुसी आओ सहेलरियो, नी मैं वसलत पूछनिया तो सार, नी पुछनिया तो तेरा पिछू मैनू रांझन मिलिया, तेरा पिछू मैनू रांझन मिलिया, हस बोला की रुसा, तुसी दसो सहेलरियो, मसलत पूछनिया तो सारे गर गे सार, मसलत पूछनी गगर सारे गाधा पा मगर सारे गानी सारे सारे उमा जी के साथ इस बातचीत में वक्त है एक ब्रेक का। कल रात ठीक 9 बजे हमसे फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।